खबर जहां इटारसी जंक्शन पर देर शाम सहरसा एक्सप्रेस रानी कमलापति से चलकर सहरसा जा रही थी, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि देर शाम इटारसी जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 के आउटर पर आते वक्त ट्रेन के 2 कोच पटरी से उतर गए। कोच जैसे ही पटरी से उतरे ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। आन फान में ट्रेन की चेन को खींचा गया। हादसे की जानकारी लगते ही रेलवे के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। सहरसा एक्सप्रेस के यात्रियों को सुरक्षित ट्रेन से उतारकर ट्रेन से कोच को अलग करने का काम शुरू किया गया। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन रेलवे ट्रैफिक पर असर पड़ा है। करीब 4 घंटे के बाद सहरसा एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से अपने गंतव्य की तरफ रवाना किया गया। मेरा नाम हुआ नरेश मंडल, मैं रानी कमलापति से पटना के लिए B2 में वही बोगी उतरी है। तो उस समय के लिए तो बहुत घबरा गए थे हम लोग। कितने बजे निकले थे आप लोग वहाँ से? कितने बजे? 4:50 में वहाँ से गाड़ी खुली थी, यही करीब करीब 6:10 समाज के करीब में। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? विजय कुमार नाम है और रानी कमलापति से बेगूसराय जा रहा था बिहार। जी, क्या क्या घटनाक्रम हुआ है, क्या जानकारी लग पाई आपको? हम गेट पे खड़े थे, लगभग 6:10 में गाड़ी इन कर रही थी इटारसी स्टेशन। हम सोचे चाय पानी ले लेंगे, उसके पहले ही किट किट करके, कट कट करके, धक धक करके, फट फट करके गाड़ी रुकी। हम गेट पे गए, पूरा धुआं धुआं हो गया चक्के के पास। रानी कमलापति से चलकर सहरसा जाने वाली 1663 सहरसा एक्सप्रेस ट्रेन आज दुर्घटनाग्रस्त हुई है। मैं इस वक्त इटारसी जंक्शन पर मौजूद हूँ। ये वो कोच हैं जो B1 और B2 बताए जा रहे हैं। आज ये कोच प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर इटारसी जंक्शन पर लगते समय पटरी से उतर गए, जिसके कारण एक बड़ा हादसा होते होते टला है। जिस समय ये हादसा हुआ उस समय ट्रेन की स्पीड बहुत कम थी, वरना ये हादसा बेहद बड़ा हो सकता था। ट्रेन के कोचों को गाड़ी से अलग करके ट्रेन को रवाना कर दिया है। अब रेल प्रबंधन इस पूरे इन कोचों को हटाकर इस ट्रैक को क्लियर करने की कोशिश कर रहा है। वहीं आप देख सकते हैं कि स्थानीय प्रशासन भी यहां मौजूद है, RPF से लेकर GRP भी यहां मौजूद है, रेलवे के बड़े अधिकारी भी यहां मौजूद हैं और इसे ट्रैक को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। अगर इस ट्रेन की बात की जाए तो यदि ये ट्रेन कहीं रेलवे ट्रैक पर होती और ये स्पीड में होती तो ये बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन आउटर पर ये घटना हुई जिससे ये बड़ा हादसा होते होते बचा है। नर्मदापुरम से संजय दुबे, NDTV।